नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे मछली पालन में अमोनिया कैसे बनता है, क्या क्या नुकसान करता है और इसको तालाब के पानी से खत्म कैसे करें, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमारे तालाब में अमोनिया है कि नहीं है। दोस्तों, जो भी भोजन हम अपनी मछली को खिलाते हैं, चाहे वो खली ब्रान हो या कमर्शियल फीड हो, जब मछली भोजन कर लेती है तो उसके पेट में भोजन पचने के बाद जब वो पानी में पोटी करती है तो वही मछली का बेस्ट पदार्थ तालाब के तलहटी में धीरे धीरे जाकर बैठता रहता है। और जब मछली आपकी 400 ग्राम से 500 ग्राम तक पहुंचती है तो मछली अधिक भोजन भी करती है और उसी हिसाब से पानी में अपना बीट भी छोड़ती है। वही मछली का बीट जब पानी में अधिक हो जाता है तो अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस जब बनता है तो अपने साथ अनेकों प्रकार के गैस लेकर आता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट। ये सारे गैस जब पानी में बनने लगते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप खत्म होने लगता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमोनिया गैस तालाब के पानी का ऑक्सीजन को खत्म करता है और उसकी जगह ले लेता है। धीरे धीरे करके तालाब के पानी का पूरा ऑक्सीजन खत्म कर देता है। जब तालाब के पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो तालाब की सारी मछलियां तालाब के सरफेस पे आकर सांस लेने की कोशिश करेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि सारी मछलियां एक साथ मर जाती है। दोस्तों, अमोनिया गैस इतना खतरनाक गैस है कि आपके पूरे मछली पालन को ही बर्बाद कर देगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे तालाब में अमोनिया है कि नहीं है। दोस्तों, अमोनिया लेवल चेक करने के लिए की जाता है, ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से अपने घर तक मंगा सकते हैं। अगर आप मछली पालन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और इसको अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो अमोनिया किट अपने तालाब पे जरूर रखें और हफ्ते में एक बार अपने तालाब का अमोनिया जरूर चेक करते रहें। दोस्तों, अमोनिया का भी एक मानक होता है, 0 PPM से लेकर के 8 PPM तक। 0 का मतलब होता है आपके तालाब में अमोनिया नहीं है, जो कि ये पीले रंग से दर्शाता है, और 1, 2, 3 से लेकर के 8 तक नंबर होता है, जो ये दर्शाता है कि आपके तालाब में कितना अमोनिया है, जो हरे रंग से प्रदर्शित होता है। दोस्तों, आप पानी के कलर को देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि तालाब में अमोनिया है कि नहीं है। आपको किट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना अमोनिया आपके तालाब में है। अब चलिए जानते हैं कि अमोनिया अगर तालाब के पानी में है तो उसको खत्म कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर आपके तालाब में अमोनिया लेवल है तो सबसे पहले आप अपने तालाब में मछलियों का दाना देना बंद कर दें, चाहे वो खली ब्रान हो या फिर कमर्शियल फीड हो या फिर घास हो। अगर आपके तालाब में 1 PPM से लेकर के 2 PPM तक अमोनिया है तो 1 एकड़ में 50 kg जियोलाइट का प्रयोग अपने तालाब में करें, अमोनिया को 24 घंटे में कंट्रोल कर देगा। यदि आपके तालाब में अमोनिया लेवल 3 PPM से ऊपर है तो आप अपने तालाब का तकरीबन 2 फीट पानी निकाल दें और उसमें फिर 2 फीट पानी भर दें। इसके बाद 1 एकड़ में 50 kg जियोलाइट अपने तालाब में डाल दें। अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अनेक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी दवा आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देगी। आप पहले अपने मछलियों को दाना देना बंद कर दें, उसके बाद तालाब का पानी निकाल के तालाब में पुनः पानी चलाएं, उसके बाद आप किसी भी दवा का प्रयोग करें। दवा में सबसे बेहतर रिजल्ट बिरबैक कंपनी का जियोलाइट है, जो टक्सिमार के नाम से कंपनी बनाती है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका बेहतर रिजल्ट है। अगर आपके तालाब में 2 PPM से ऊपर अमोनिया है तो आप इसको 1 एकड़ में 50 kg डालें। जियोलाइट डालने के अगले दिन 20 kg गुड़ का प्रयोग